एक बार फिर से आप सभी का आपका अपने ही चैनल किंग फैंटास्टिक्स में। दोस्तों इस वीडियो में WPL 2024 का छठवां मुकाबला हम लोग कवर करेंगे। 28 फरवरी को मुकाबला खेला जाएगा शाम 7:30 से। ये मुकाबला मुंबई इंडियंस और यूपी वॉरियर के बीच खेला जाएगा। इस मुकाबले के बारे में फुल डिटेल्स में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी जानकारियाँ, पिच रिपोर्ट, हेड टू हेड रिकॉर्ड, प्लेइंग 11 प्लेयर, स्टैट्स, मैचअप, टीम, उसके बाद फाइनल टीम, साथ ही साथ दोस्तों बहुत सारी चीज़ें GL की टीम से, आपको बहुत सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में दूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो आपके लिए ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि जब आप इस वीडियो पर क्लिक कर दिए तो वीडियो को टोटल वॉच कीजिएगा। चलिए दोस्तों बिना देरी करते इस वीडियो को शुरू करेंगे। लेकिन आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पुराना चैनल है, पूरा बहुत दिन से मैं इन्फॉर्मेशन देते आ रहा हूँ, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। मुंबई इंडियंस और यूपी वुमेन के बीच जो मुकाबला खेला जाएगा उसके बीच के कौन से पिच पर खेला जाएगा, हम लोग सबसे पहले पिच के बारे में डिस्कस करें। तो MH चिन्नास्वामी बैंगलोर में ये मुकाबला होगा, जो कि MH चिन्नास्वामी स्टेडियम पर खेला जाने वाला है। टोटल 12 मुकाबले इस पर खेले गए, जिसमें से 5 मुकाबला पहले बैटिंग करते हुए जीते गए हैं, 7 मुकाबला चेज करते हुए जीते गए हैं। और स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो 150 के नीचे 8 बार जा चुका है, जितने भी 12 मुकाबले खेले गए हैं उसमें से 150 के नीचे 8 बार जा चुका है, 150 से 170 बीच में 3 बार जा चुका है, 170 से 190 बीच में 1 बार गया है। यहाँ से देख सकते हैं लास्ट 5 मैचेस के जो कि विकेट के रिकॉर्ड की, तो 23 विकेट पेसर्स ने चटकाए हैं, 34 विकेट स्पिनर ने चटकाई है। बाकी एवरेज स्कोर इस पिच का देखें तो 137 इस पिच का एवरेज स्कोर आपको देखने को मिलेगा, हाइस्ट स्कोर यहाँ पर 173 इस पिच का देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ से बैलेंस विकेट आप देख सकते हैं किस तरीके से पिच जो कि सूटेबल है बैलेंस विकेट के लिए, और इस पिच पर बैलेंस मतलब कि दोनों को सपोर्ट मिलती है। बाकी अब यहाँ से रिसेंट मैचेस की बात करें, इस पिच पे लास्ट 4 मुकाबले खेले गए, उसकी बात करें यूपी वुमेन 119 बनाई थी, दिल्ली वुमेन चेंज कर गई थी, गुजरात जायंट्स की वुमेन्स ने 126 बनाई थी, मुंबई इंडियंस की वुमेन चेंज कर गई थी। यहाँ पे जितने भी मैचेज आपको देखने को मिलेंगे जिसमें से बस एक मुकाबला यूपी सबसे कमजोर टीम दिखी है अभी तक में, और यहाँ पे यूपी वुमेन जो कि एक मुकाबला चेंज नहीं कर पाई थी, 157 RCB बनाई थी जो 2 रन से हारी थी। और यहाँ से देखें तो सब मुकाबले ओवरऑल लास्ट 3 मुकाबले चेंज हैं। जैसे हेड टू हेड मुकाबले की बात करें तो इन दोनों में से कौन किस पे भारी है, अगर इसकी हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखें तो मुंबई इंडियंस है और यहाँ पे यूपी वॉरियर्स की टीम है। यहाँ पे दोनों में कौन किस पे भारी है तो यहाँ पे देखें तो जैसे कि लगातार पिछले पांच मुकाबले में 5 मुकाबला जीत करा रही है, जो कि यहाँ से मुंबई इंडियंस की टीम, और यूपी वॉरियर की टीम 5 मुकाबले में से सिर्फ एक ही मुकाबला जीती है, और यूपी वॉरियर जो कि सबसे मतलब अभी तक की कमजोर टीम देखने में लगती है। और यहाँ पे देखें तो मुंबई इंडियंस के प्लेइंग 11 के बारे में अगर डिस्कस करें, पॉसिबल लाइनअप के बारे में डिस्कस करें, यष्टिका भाटिया, हैले मैथ्यूज, नैट स्क्वायर, ब्रंट मुंबई इंडियंस की तरफ से कौन कौन से खेलने वाले हैं, कौन कौन से खेलते नजर आएंगे, हरमनप्रीत कौर, अमेलिया कैर, पूजा वस्त्राकर, अमनजोत कौर, संजीव संजना जो कि 1 में 5 चाहिए था तो इन्होंने छक्का मारकर जितवाया था अपनी टीम को, साइका इसाक, सबमैन इस्मेल, एस कीर्थना इस टीम की तरफ से आपको देखते हुए खेलते हुए नजर आएंगे। अब बात करेंगे मुंबई इंडियंस की तरफ से कौन कौन से जो प्लेयर्स हैं जो आपको मतलब ये पावर प्लेयर देते ओवर में बॉलिंग करते हुए नजर आने वाले हैं, ये पावर प्लेयर ये देते ओवर में है। और यहाँ पे देखें तो हमारे सामने जो कि पावर प्ले में बॉलिंग करेंगे नैट स्क्वायर, ब्रंट, हैले मैथ्यूज, और यहाँ पे सबमैन इस्लेम जो कि इस्मेल जो कि बॉलिंग करेंगे पावर प्ले में। देते ओवर की बात करें तो हैले मैथ्यूज, नैट स्क्वायर, ब्रंट, सबमैन इस्लेम जो कि यहाँ देखें तो ये देते ओवर लाइनअप को संभालेंगे। दोस्तों अब हम बात करेंगे इनके जो कि प्लेयर स्टैट्स के बारे में, किस तरीके से इनका प्लेयर का जो कि किस तरीके से इनके प्लेयर्स खेल रहे हैं उनके स्टैट्स के बारे में अगर डिस्कस करें, जहाँ से एसटी का बात किया यहाँ पे देखें तो हैले मैथ्यूज और इनका परफॉर्मेंस देखें तो पिछले मुकाबले में भी इन्होंने कुछ खास नहीं किया था, अभी तक भी इन्होंने कुछ खास नहीं किया, लेकिन हाँ हैले मैथ्यूज कभी भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है, इन पर आप लोग हमेशा से निगाहें रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही अच्छे परफॉर्मर हैं। दोस्तों यहाँ से अगर बात करें तो यष्टिका भाटिया विकेट कीपिंग से अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है, रन भी स्कोर कर रही है, पिछले मुकाबले में सिर्फ 7 रन बनाई थी। ऐसे नैट स्क्वायर ब्रंट का देख सकते हैं 22 रन 1 विकेट, और हेड टू हेड सामने वाली टीम के सामने 3 मैचेज में 122 रन और 122 मतलब ओवरऑल देखें तो इनका परफॉर्मेंस बहुत ही तगड़ा है, 2 मैचेज में 41 रन। और यहाँ पर देखें तो हरमनप्रीत कौर जो कि 46-55 इन्होंने शानदार पारियाँ अभी तक अपनी टीम के लिए कैप्टनसी पारी खेली। अमेलिया कैर की बात करें तो ये विकेट चटकाने में माहिर है और विकेट चटकाएंगे ही, रन ना बनाए वो इनसे मजबूर, लेकिन ये विकेट चटकाती है, स्पिन गेंदबाज है और विकेट चटकाएंगे ही। पूजा वस्त्राकर अभी तक कुछ अच्छा खास नहीं किया है अपनी टीम के लिए। अगर दूसरे बात करें तो यहाँ पे अमनजोत कौर यहाँ से देखें तो इन्होंने भी कुछ खास नहीं किया और 7 नंबर पर सिर्फ बैटिंग करती है, उतना ज़्यादा बॉलिंग से प्रभावित अभी तक नहीं किए। यहाँ से एस संजना की बात करें तो बैटिंग ये भी 8 नंबर पर अगर बैटिंग करती है तो मुझे इनसे थोड़ा सा इंप्रेस्ड। यहाँ से अगर देखें तो साइका इसाक की बात करें, साइका विकेट चटकाते हैं, ना सबमैन इस्मेल जो कि विकेट चटकाते लगातार, ये ऐसा पिछले 10 मुकाबले का रिकॉर्ड इनका उठाकर देखें तो हर एक मैच में इन्होंने विकेट चटकाई है। दोस्तों अगर बात करें तो एस कीर्थन की, तो एस कीर्थन यहाँ से 0-0-0 इन्होंने कुछ खास नहीं किया और हमारा
हुमायरा काजी जो कि ये खेल सकते हैं, इनका परफॉर्मेंस बढ़िया है और इनका एक्सपीरियंस भी है जो कि केएस किर्थन से ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। अब दोस्तों अगर बात करें यहाँ से यूपी वॉरियर्स की टीम, इनके में बहुत ही अच्छे अच्छे प्लेयर्स है लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे। एलिसा हेली, वृंदा दिनेश, पहले अंशिक राज, ग्रेस हैरिस, किरण नवागिरे, श्वेता सहरावत, दीप्ति शर्मा, सोफिया सिटलोन, यहाँ से देखें तो पूनम खेमार, यहाँ पर गोमर सुल्तना और राजेश्वरी गायकवाड़ इस टीम की तरफ से आप खेलते हुए दिखेंगे। दोस्तों अगर हम बात करें स्टार्टिंग के प्लेइंग स्टार्टिंग बॉलर के बारे में, दूसरे के बॉलर के बारे में, दोस्तों अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल बिल्कुल भी जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए क्योंकि वहीं पर आपको टीम्स मिलने वाली है। यहाँ पर देखें तो गौहर सुल्तना, तहलिया एम सिग्रैथ, सोफिया सिटलोन, यहाँ पर तहलिया एम सिग्रैथ, दीप्ति शर्मा और यहाँ पे सोफिया सिटोल आपको ये पावर प्ले में बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, ये देथवन में बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। अगर देखा जाए तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी देथवन में पकड़ और पावर प्ले में पकड़ आपको दिख रही होगी। दोस्तों अगर बात करें तो यूपी वॉरियर्स के कैपिटल्स प्लेयर हैं, प्लेयर स्टैट्स है जो कि उसके साथ साथ रिकॉर्ड की बात करें तो एलिसा हेली अभी तक फॉर्म में नजर नहीं आई है, जब भी आएंगी पता चल जाएगा पूरी टीम को क्योंकि ये कितने अच्छे प्लेयर है, बहुत ही टाइट प्लेयर है, विकेट कीपर बल्लेबाज है, बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। वीरेंद्र दिनेश भी ये अच्छा फॉर्म में नहीं चल रही है और यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों यूपी वॉरियर्स की तरफ से तहलिया एंड सिग्रैथ किस तरीके से खेले उतना इन्होंने खास अभी तक नहीं अपना दिखाया है, रौद्र रूप अगर ये दिखाएंगे तो आपको वो पता चल जाएगा। ग्रेस हैरिस की बात करें ये कितना तेज खेलती है, कितना तेज खेलना पसंद करती है आपको ये ऑस्ट्रेलिया की टीम में जब इंडिया से जो मुकाबला हो रहा था, चाहे जितने भी मैचेज हैं इनका देख सकते हैं उठाकर ये कितना तेज खेलते हैं। रिसेंट मैचेज देख सकते हैं किरण नवागिरे के, तो यहाँ पर देखें तो कभी भी इनका उतना ज़्यादा कुछ खास नहीं देखने को मिलेगा लेकिन यहाँ से श्वेता सहरावत रन स्कोर इन्होंने की है और इन्होंने अभी तक बहुत ही अच्छी पारियाँ खेली है। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ से अपनी टीम के, यहाँ से दीप्ति शर्मा के बारे में, दीप्ति शर्मा किस तरीके से खेले यहाँ से देख सकते, एक विकेट, दो विकेट, तीन विकेट, मतलब ओवरऑल इन्होंने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस की है। सोफिया सिटलोन की बात करें तो ये विकेट गजब चटकाती है, एकदम कंटिन्यूसली यहाँ कंसिस्टेंसी के साथ ये लगातार रेगुलरली विकेट चटकाती जाती है। सोफिया सिटलोन ये अच्छे प्लेयर्स हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे पूनम खेमार जो कि इस तरीके से इनका परफॉर्मेंस की बात करें तो इन्होंने भी कुछ खास परफॉर्मेंस किया है। यहाँ पे अगर गौहर सुल्तना की बात करें सुल्तान, तो यहाँ पे इन्होंने खास परफॉर्मेंस किया है। बाकी दोस्तों अगर बात करें इन्होंने अगर लास्ट पांच मुकाबले की बात करें तो इन्होंने कुछ खास अभी तक नहीं किया है। बाकी दोस्तों अगर राजेश्वरी गायकवाड़ की बात करें, इन्होंने पिछले मुकाबले को अगर छोड़ दे तो इन्होंने विकेट लगातार चटकाई है। अंजलि सरावनी, इन्होंने कुछ खास नहीं लेकिन ये राजेश्वरी गायकवाड़ यहाँ से अच्छा परफॉर्मेंस करके गई है। दोस्तों अगर बात करें कैप्टन के प्लेयर्स के बारे में, फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे ट्रंप प्लेयर्स के बारे में, तो हमारे पास जो ऑप्शन है उनकी अगर बात करें तो यहाँ पर देखेंगे कैप्टन के ऑप्शन है जो कि आप एक ग्रैंडिंग में ट्राई कर सकते, स्मॉली के लिए जो कि हाइले मैथ्यूज, नाइट ब्रांड, तहालिया एम सिग्रैथ, जो कि आपको अगर इनको आप पिक करेंगे तो आपको जो कि ज़्यादा परफॉर्मेंस मतलब कि ये सेफ है, इसलिए आप इनको स्मॉली के लिए ट्राई करेंगे। जब ग्रैंडिक की बात करें ट्रंप प्लेयर के बारे में, वृंदा दिनेश, उसके साथ साथ यहाँ पर पूजा वस्त्राकर और यहाँ पर देखेंगे तो साइका इसाक, ये तीनों प्लेयर से आप तीनों प्लेयर्स को ट्राई कर सकते हो। सब लोग छोड़कर जा रहे हैं इसलिए मैंने आपको बता दिया। की प्लेयर्स की बात करें जो आपको ग्रैंडिंग में कैप्टन और वाइस कैप्टन में पिक करके जाना चाहिए, यहाँ से हाइले मैथ्यूज है, नेचरी ब्रंट है, एमेलिया केर है, एलिसा हिली है, उसके साथ साथ यहाँ पे देखेंगे तो जो कि पहले अंशिक राज है, दीप्ति शर्मा है, हरमनप्रीत कौर है, इतने प्लेयर्स है जो कि आपको की प्लेयर्स और इस ग्रैंडली के लिए बहुत ही अच्छे चॉइस बनते हैं। दोस्तों अगर आप आगे बात करें तो हम लोग किस तरीके से इनके टीम्स की तरफ से प्लेयर्स हैं जो कि आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ, यहाँ पे देखें तो बैटल्स की प्लेयर बैटल में बता रहा हूँ, तो यहाँ पे देखें एलिसा हिली यूपी वॉरियर्स के बैट्समैन है और सामने बॉलर से किसके, मुंबई इंडियंस के। यहाँ से देखेंगे तो जो कि एलिसा हिली के सामने, एलिसा हिली ने एसी वॉन्ग के 17 बॉल खेले हैं, 13 रन बनाए हैं, 3 बार आउट हो चुकी है। नेट स्क्वायर ब्रंट के 42 बॉल खेली है, 61 रन बनाई है, 2 बार आउट हो चुकी है। हैले मैथ्यूज के 50 बॉल खेली है, 57 रन बनाई है, 2 बार आउट हो चुकी है। बाकी मैं बता दूं टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पे आपको टीम्स मिल जाएगी 15 से 20 मिनट पहले ग्रैंड लीग स्मॉल लीग दोनों की। यहां से ग्रेस हैरिस जो कि ग्रेस हैरिस ने एनएस ब्रंट के 26 बॉल खेले हैं, 31 रन बनाए हैं, 3 बार आउट हो चुके हैं। एस स्मैल के 39 बॉल खेली है, 36 रन बनाए हैं, 2 बार आउट हो चुके हैं। अगर यहां पे बात करें तहलिया एम सिग्रैथ की तो तहलिया एम सिग्रैथ ने एमेलिया केर के 55 बॉल खेले हैं, 52 रन बनाए हैं, 5 बार आउट हुए हैं। यहाँ से हेले मैथ्यूज के 47 गेंद खेली है, यहाँ से 49 रन बनाए हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे 3 बार आउट हो चुकी है। पूजा वस्त्राकर 16 बॉल खेली है, 16 रन बनाए हैं, 2 बार आउट हो चुके हैं। दीप्ति शर्मा ने यहाँ से 16 बॉल खेली है, 9 रन बनाए हैं और 1 बार आउट हो चुके हैं। एमेलिया केर के दीप्ति शर्मा ने हेले मैथ्यूज के 19 बॉल खेले हैं, 20 रन बनाए हैं, 1 बार आउट हो चुके हैं। बाकी अगर दोस्तों अगर बात करें यहाँ से मुंबई इंडियंस के बैट्समैन और यहाँ पे यूपी वॉरियर्स के बॉलर्स के बारे में, तो हरमनप्रीत कौर, सोफिया सिटलोन के 42 गेंद खेली है, यहाँ पे 31 रन बनाए हैं, 3 बार आउट हो चुके हैं। चमारी अटापट्टू के 17 बॉल
खेले हैं, 27 रन बनाए, एक बार आउट हो चुके हैं। हैले मैथ्यूज ने सोफिया से क्लोन के यहाँ पे देखे तो 49 बॉल खेले हैं, 26 रन बनाए, 4 बार आउट हो चुके हैं। पी चोपड़ा के 6 बॉल खेले हैं, 4 रन बनाए, एक बार आउट हो चुके हैं। यष्टिका भाटिया जो कि अंजलि सरावानी के 16 बॉल खेली है, 16 रन बनाए, 2 बार आउट हो चुके हैं। राजेश्वरी गायकवाड के 7 बॉल खेली है, 17 रन बनाए, एक बार आउट हो चुके हैं। नेट स्कोर ब्रांट ने पहले एमसी ग्रैथ के 21 बॉल खेली है, 27 रन बनाए, 2 बार आउट हो चुके हैं। चमारा अटूपटू के 2 बॉल खेली है, 4 रन बनाए, एक बार आउट हो चुके हैं। यानी कि टोटल ओवरऑल देख सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे अच्छी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके सामने पेश की। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जल्दी से जाएगा टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएगा, आपको वहाँ पे टीम मिल गई होगी। टीम आपको 20 मिनट पहले दे दी जाती है, तो बिना देरी करते हुए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, बाकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मात्र थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ तक वीडियो को देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।